अयोध्या के राजकुमार राजा दशरथ के बड़े पुत्र श्रीराम के हिस्से में 14 साल का वनवास तय हुआ। षड्यंत्र और स्वार्थ में महारथ अपनी दासी मंथरा के बहकाने पर रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से जब वरदान मांगा, वहीं श्रीराम से भगवान राम बनने की यात्रा आरंभ हुई। अयोध्या से निकलकर भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के घने जंगलों में आश्रय बनाते हैं, फिर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नासिक होते हुए दक्षिण में रामेश्वरम पहुंचे। आखिरकार समुद्र रास्ते से विध्वंस करने रावण की लंका निकल पड़े। सुनाते हैं 14 साल के वनवास के दौरान श्री राम भारत के किस किस राज्य में गए, कहां जंगल पहाड़ पर वक्त बिताए, कब सुग्रीव और प्रिय भक्त हनुमान से मिले, किस राज्य के जंगल में भाई लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। वनवास का वक्त आरंभ होते ही अयोध्या छोड़कर राम लक्ष्मण और सीता वहां से 20 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी के तट पर पहुंचे। यहां तक छोड़ने राज्य की प्रजा भी साथ आई। प्रजा से विदा लेने के बाद नाव से नदी पार कर प्रयाग से करीब 20 किलोमीटर दूर श्रृंगवेरपुर गए, जहां मित्र निषाद राज का राज्य था। आगे फिर प्रयाग की ओर निकल पड़े। प्रयाग संगम के पास यमुना नदी को पार कर उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट पहुंचते हैं। यह वही जगह है जहां पिता के निधन के बाद अंतिम संस्कार कर भाई भरत सेना के साथ आए। राम से वापस अयोध्या लौट चलने का आग्रह भी किए, मगर उनके मना करने पर बड़े भाई की चरण पादुका लेकर भरत वापस लौट आए। चित्रकूट के पास मध्य प्रदेश में ही एक जगह है सतना, जहां ऋषि के आश्रम में कुछ वक्त गुजारने के बाद तीनों घने जंगल की ओर निकल पड़े। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का मिला जुला एरिया, जहां एक बड़ा विशाल वन था दंडकारण्य। श्री राम ने अपने वनवास का ज्यादातर समय दंडकारण्य के जंगलों में ही बिताया। यहीं उनकी भेंट महान अगस्त ऋषि से हुई। कुछ दिन आश्रम में गुजारने के बाद ऋषि से आज्ञा लेकर पंचवटी की ओर निकल पड़े। पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक शहर में गोदावरी नदी के पास है। यहाँ राम लक्ष्मण और सीता कुटिया बनाकर रहने लगे। यहाँ पर ही लक्ष्मण ने सूर्पनखा की नाक काटी। उसका भाई खरदूषण बदला लेने अपनी सेना लेकर आया। वन में ही छत्तीसगढ़ में एक जगह है खरौद। कहते हैं श्री राम ने खरदूषण का वध यहीं किया। खरदूषण रावण का सौतेला भाई था। जब उसकी मौत की खबर रावण तक पहुंची, उसने मायावी राक्षस मारीच को भेजा और आखिर में यहीं कुटिया के पास से रावण ने सीता हरण किया और राम के प्रिय गिद्धराज जटायु का वध भी कर दिया। श्री राम ने वनवास का कुछ वक्त भद्रागिरी पर्वत पर बिताए थे। भद्राचलम से 32 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है पर्णशाला, जो फिलहाल तेलंगाना में है। कहते हैं रावण ने सीता हरण के लिए पुष्पक विमान यहीं पर उतारा था। सर्व तीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। कावेरी और तुंगभद्रा नदी को पार कर शबरी आश्रम गए। शबरी धाम गुजरात के डांग जिले के पास है। फिर मलय पर्वत और चंदन वन को पार कर वे ऋषयमूप पर्वत की ओर आगे बढ़े। यहीं पर सुग्रीव और परम भक्त हनुमान से भेंट हुई। ऋषयमूप पर्वत की गुफा में बाली के भय से सुग्रीव छुपे बैठे थे। यह पर्वत राजधानी किष्किंधा के निकट है, जो कि आज कर्नाटक राज्य में है। इसी जगह श्री राम ने सुग्रीव और भक्त हनुमान के साथ मिलकर वानरों की सेना का गठन किया और लंका की ओर निकल पड़े। लंका पर चढ़ाई करने से पहले रामेश्वरम पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। उसके बाद नल और नील की मदद से समुद्र पर पुल का निर्माण कर श्रीलंका पहुंचे, जहां से सीता को वापस लाए और रावण की लंका और रावण दोनों का विध्वंस किया।